आगरा की रहने वाली ये वो बदनसीब लड़की जिसको मोहब्बत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हैरानी की बात ये कि इस मौत की नींद सुलाने वाला इसका आशिक ही। बकौल पुलिस, 1 मई की सुबह आगरा के खंदौली थाना इलाके से गश्त के दौरान एक जलती हुई लाश बरामद हुई थी। शव की शिनाख्त हुई तो पुलिस की जांच आगे बढ़ी, जिसके बाद आशीष तोमर और उसका पिता पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसके बाद हुआ एक सनसनीखेज कत्ल का खुलासा। 1 तारीख की सुबह 4 बजे जब जो गश्त के सिपाही थे वापस लौट रहे थे, तो उनके द्वारा जलेसर रोड पर थाना खंदौली क्षेत्र में एक युवती की लाश को जलते हुए उन्होंने देखा था, और तत्काल उसे आग को बुझाया और थानाध्यक्ष को सूचना दी। थानाध्यक्ष मौके पर पहुँचे और अधजली लाश वो थी, और लड़की करीब 20-22 साल की लड़की थी। इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए और शिनाख्त के प्रयास के दौरान इसकी शिनाख्त हुई, और उस शिनाख्त होने पर छानबीन दौरान ये पता चला कि ये लड़की आशीष तोमर नाम का एक युवक है, उसके यहाँ गई थी, और वहाँ पर जब और छानबीन की तो उस आशीष तोमर की इसमें गिरफ्तारी हुई। आशीष तोमर द्वारा ये बताया गया कि लड़की उसके घर पर आई थी और उसके द्वारा वहाँ पर इसके साथ दुराचार किया गया, और विरोध करने पर इसका गला घोट कर हत्या कर दी गई और लाश को अपने स्टोर में रख दिया गया। शादी से इनकार, दिया जान से मार। जी हाँ, लड़की के कत्ल की बस यही वजह पुलिस के सामने आई है। लड़की और आरोपी आशीष एक दूसरे से प्यार करते थे और अक्सर मिलते थे। 30 मई को दोनों मिले, इस दौरान लड़की के साथ रेप किया गया, जिसके बाद कुछ कहा सुनी हो गई तो पहले गला दबाकर हत्या की और लाश को घर में ही छिपा दिया। 31 तारीख को रात में शाम तक इसमें बदबू आने लगी, तो ये और इसके पिता ने सोची समझी साजिश के तहत लाश को एक कम्बल में लपेटा और मोटरसाइकिल पर रखकर जहाँ पर ये लाश मिली थी जलेसर रोड पर, वहाँ पर इसे फेंक दिया और आग लगाकर इसकी शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है, और इससे संबंधित जो लड़की का मोबाइल है वो बरामद किया गया, जो जूते हैं वो मौके से बरामद किए गए उसके घर से, और जो मोटरसाइकिल है घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई। आरोपियों को लगा था कि लाश पूरी तरह जल जाएगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस ने दोनों हथियारों की गिरफ्तारी कर ली, साथ ही वारदात में इस्तेमाल बाइक, जूते, लड़की का मोबाइल और बाकी सामान बरामद भी कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।